Majapal sir, from Vekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the class 11 subject physics, angular velocity. Angular velocity of object in a circular motion is defined as the time rate of change of the angular displacement. Okay, time rate of change of angular displacement. आपने velocity simple की थी, displacement by में time. Okay, तो इसके अंदर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा. एंगुलर मीन टू से दैट इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर रेवोल्यूशन करेगा, सर्कुलर घूमेगा, गोल घूमेगा. ओके, इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा. ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज मेजर इन रेडियन पर सेकेंड के अंदर इसको मेजर किया जाता है. इट इज डायरेक्शनल फार्मूला इज एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन. ओके, कंसीडर ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद सेंटर एट ओ. ओके, सेंटर एट ओ है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर रेवोल्यूशन कर रहा है. लेट ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू क्यू. पी से क्यू ऑब्जेक्ट मूव किया, टाइम उसको डेल्टा टी लगा, तो एंगल तो आपको पता है डेल्टा थीटा हो जाएगा. अब एंगुलर वेलोसिटी अभी तो बताइए क्या होगा था. ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो रेवोल्यूशन है ना, पी से लेके क्यू, पी से लेके क्यू तक डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वो डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा थीटा ही तो मूव हुआ है. तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो इज इक्वल आगे आ जाएगा डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी. ओके, डी थीटा बाय में डी टी आपके पास ओमेगा आ जाएगा. एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ थीटा, जिस डायरेक्शन में थीटा जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी. फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, इट्स गोइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रेवोल्यूशन डायरेक्टेड अपवर्ड. ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपकी जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की वो अपवर्ड होगी, अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड होगी. ओके, तो इस तरीके से आप कर लोगे. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? लीनियर वेलोसिटी आप वहां पे करके आए थे. ओके, एंगुलर वेलोसिटी आपने अब किया, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है. कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर स्पीड वी. कोई ऑब्जेक्ट है ओमेगा के साथ भी मोशन कर रहा है, लीनियर स्पीड भी है उसकी, वी है, ऑन ए सर्क्यूलर पाथ किसी गोल पाथ के ऊपर जिसका रेडियस आ रहा सेंटर हो है. एट एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट इज बी एट पी. मान लो कोई पॉइंट टी पे ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे प्रेजेंट है. ओके, लेट ओ पी इज इक्वल टू आर. आप ओ पी आर से रिप्रेजेंट करोगे. ओके, वो टी टाइम के ऊपर. अब कुछ टाइम के बाद टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट क्यू पे चला जाता है, एंगल डी थीटा हो गया. तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? ओ क्यू देखो ई आ रहा है ना, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? ये डेल्टा आर पता है कौन सा? क्यू पी, क्यू पी डेल्टा आ रहा है. ओके, तो जो ओ क्यू हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा. इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एन आर्क पी क्यू ऑफ लेंथ एल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी. वी क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाय में डेल्टा टी. ओके, डेल्टा एल यहाँ से निकल जाएगा वी डेल्टा टी. वी डेल्टा एल पता है ना कि आपको वो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया पी से क्यू जाने के लिए. ओके, ओमेगा क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी. तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा डेल्टा टी. अब देखो आपको एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस वाला रिलेशन पता है. एंगल क्या है? डेल्टा थीटा. आर्क क्या है? डेल्टा एल. और रेडियस क्या है? आर. तो इसके अंदर आप एल की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ओके थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे और एल की वैल्यू पुट कर दोगे. ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी बाय में आर आ जाएगा. डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा. देन टी अप्रोचेस जीरो, देन डेल्टा ओ पी क्यू एंड एंगल ओ पी क्यू पाई बाय में टू आ जाएगा. पी टेंड्स टू, ये डायरेक्शन बताने के लिए. ओके, परपेंडिकुलर टू ओ पी जो उसकी डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट से रिप्रेजेंट होगी, आपको पता. नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज फाइंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सेम एज इट इज, वैसे वहां पे था वेलोसिटी बाय में टाइम, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी बाय में टाइम हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाय में डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा आपको पता है क्या? वेलोसिटी बाय में टाइम हो जाएगा. ओके, वहां पे क्या था? डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी था ओमेगा की वैल्यू. अब रिलेशन निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में. आपको पता है डीवी बाय में डीटी होता है. वी की वैल्यू अभी निकाल के आए हो, डी बाय में डीटी ओमेगा आर हो जाएगा. डी ओमेगा बाय में डीटी आर बाहर ले लिया. ए जो होगा वो एक्सेलरेशन डीवी बाय में डीटी है. अल्फा जो होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी. ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
टाइम पीरियड जो उसके कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी होती है, उसको हॉर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट इज रिलेशन विद टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी. सबसे ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. टी इज इक्वल टू वन बाई न्यू होता है, टाइम इज इक्वल टू वन बाई फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, तो न्यू इज इक्वल टू वन बाई टी आ जाएगा. रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी किया था ना, थीटा को आपने टू पाई लिख लो, जो टी है उसको टी लिख लो. वन बाई टी आपको पता है न्यू होता है, वन बाई न्यू होता है टू पाई इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा, थीटा ओमेगा इज इक्वल टू पाई न्यू आ जाएगा. ओके, तो इस तरीके से आप ये कर लोगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे. हमारा क्या क्या बचा है, सिर्फ दो टॉपिक है हमारे, एक क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन. ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.